महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रहा है, जबकि देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। राहुल ने भाजपा कहा कि भाजपा ने देश में डर का भय का माहौल पैदा किया है। राहुल ने कहा कि देश के किसानों को फसल को अच्छे दाम मिलने चाहिए लेकर, और महाराष्ट्र की जनता और किसानों ने मुझे काफ़ी प्रेम दिया है और इस प्रेम को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, मुकुल वासनिक और अशोक चौहान सहित हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए।